सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस किचन। कैसे हैं आप लोग? तो गर्मी आ गई है तो अब लस्सी का तो मौसम है ही है, तो चलिए देखते हैं आज उसकी एक रेसिपी। बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ जो कि हम लोग रेगुलर घर पे बनाते हैं और ये हर कोई बना सकता है। कोई चीज ऐसा नहीं है कि घर पे नहीं है। दही है, बर्फ है और पानी है, बाकी चीजें जो है और चीनी है। आपका मन चाहे तो आप चीनी वाली बनाइए, नहीं तो नमक, काली मिर्च और भुना जीरा डाल के, तो दो ऑप्शन है इसके। तो चलिए आज मैं मीठी लस्सी बना रही हूँ। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ये एक बाउल दही का लिया है और ये दही ताजी है, घर की जमी हुई है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। ये बर्फ हो गई, ये चीनी घर में मैंने पीसी हुई है। वैसे आप दूसरी चीनी भी ले सकते बिना पीसी हुई, कि ये पीसी हुई इसलिए मैंने ली है क्योंकि पीसी हुई को ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको पीसने में, इसके अंदर ग्राइंड करने में कि मिक्स हो जाए, तो पीसी है तो फटाफट बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने रोज एसेंस लिया है, आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। और ये मैंने थोड़ा वो लिया है केसर, अगर नहीं है तो भी चलेगा, ये जस्ट फॉर डेकोरेशन है, नथिंग मोर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमने दही ले लिया, और कभी भी आप लस्सी बनाए तो पहले दही और चीनी को मिक्स करें, बर्फ या पानी जो है वो आप बाद में डालें। तो ये हो गया, और अब मैं इसके अंदर ये 4 टेबलस्पून है अराउंड, तो ये मेरा 300 ग्राम के अराउंड होगा दही, और उसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल ली है। और अब मैं इसको अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है इसमें, और अब मैं इसमें ये आइस क्यूब्स, तो जितने हो उतना अच्छा लगता है ठंडी ठंडी लस्सी, ये हो गया। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ये रोज एसेंस डालूंगी, मर्जी है डालिए, मर्जी है मत डालिए, ये टोटली ऑप्शनल है। बस ये 3-4 ड्रॉप्स इसके डाले हैं कि बस हल्का सा फ्लेवर आ जाए, थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है, अच्छा लगता है। और अब इसको हम ऊपर से चलाएंगे। ये देखिए ये बन गई है, इसमें मैंने अभी पानी नहीं डाला। अगर आपको लगे कि ज्यादा थिक है तो आप डालिएगा, वैसे मेरे को इसकी कंसिस्टेंसी ठीक लग रही है। आप चाहें तो आप इसको मिक्सी में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भी ब्लेंडर मेरे को ये हैंडी लगा, इजी लगा तो मैं इसी में बना लेती हूँ। और मेरे को इसमें क्योंकि मैंने आइस काफी सारी डाली है तो मुझे इसमें पानी डालने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है, झाग झाग पूरी, ये देखिए इस तरह से ये हो गया। और अब इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा इसके ऊपर ये इस तरह से केसर के धागे डाल दूंगी, और ये हमारी लस्सी बनके तैयार है। देखिए आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं, आप इसके ऊपर मलाई डाल सकते हैं, थोड़ी सी रबड़ी भी डाल सकते हैं जब आप इसको मिक्स कर रहे हैं, और आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। बट मैं जो है लस्सी को लस्सी की तरह से पीना पसंद करती हूँ, मलाई वगैरह डालती हूँ फिर वो बहुत हैवी हो जाती है, जो कि पर्सनली मुझे नहीं पसंद, बहुत से लोगों को पसंद होती है। बट अगर आपने डेली बेसिस पे पीनी है तो रोज मलाई और रबड़ी नहीं चलती, इस तरह से हल्की फुल्की लस्सी ठीक लगती है। बस इतना है, आप इसमें पानी मत डालिए, आइस डाल के और दही डाल के मिक्स कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। बाय।